शुरुआत 25 बड़ी खबरों से। महाराष्ट्र के कई शहरों में पहुंची जालना हिंसा की आंच। मराठा संगठनों ने औरंगाबाद में बुलाया बंद। भारी पुलिस बल तैनात, आज जालना जाएंगे एमएनएस चीफ राज ठाकरे। मराठा आरक्षण पर आज महाराष्ट्र कैबिनेट की उप समिति की भी बैठक होने जा रही है। सीएम एकनाथ शिंदे होंगे शामिल। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग पर हाथ धोते बीजेपी के राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा का वीडियो वायरल हो रहा है। जितिन प्रसाद भी थे साथ मौजूद, कांग्रेस ने सवाल उठाए। उदयनिधि के सनातन को लेकर दिए गए बयान पर दिल्ली में बीजेपी सांसद करेंगे विरोध प्रदर्शन। तमिलनाडु के रेजिडेंट कमिश्नर को सौंपेंगे विरोध पत्र। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का मोदी सरकार पर हमला, कहा केंद्र सरकार देश के आधारभूत ढांचे को बर्बाद करना चाहती है, सभी वर्गों के बीच समन्वय और एकता को तहस नहस कर रही है। बाइडेन का बयान, बोले G20 में शामिल होने के लिए भारत यात्रा के लिए काफी उत्सुक हूं, शी जिनपिंग के शामिल न होने पर निराशा जताई। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान, G20 में शी जिनपिंग और पुतिन के नहीं आने से सम्मेलन के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। G20 समिट के मद्देनजर बनाई गई गांधी सेल्फी वाटिका का आज उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी मौजूद रहेंगे। जयपुर में आज ताल ठोकेगी आम आदमी पार्टी। सीएम केजरीवाल मान जनता को देंगे गारंटियां, टाउन हॉल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर आज से निर्वाचन आयोग, चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, राजनीतिक दलों के साथ करेंगे बैठक। भारत की समुद्री सुरक्षा मजबूत करने के लिए 3 दिन दिल्ली में मंथन करेंगे नौसेना के शीर्ष कमांडर्स, समुद्री सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा होगी। बिहार के नालंदा में आरसीपी सिंह के रिश्तेदार पर बदमाशों ने फायरिंग की, अस्पताल में एडमिट। आरसीपी ने जेडीयू नेता पर लगाया हत्या की कोशिश का आरोप। यूपी में आज भी रहेगी वकीलों की हड़ताल, यूपी बार काउंसिल ने हड़ताल की घोषणा की। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज का विरोध। जयपुर में बस कंटेनर में भीषण टक्कर, हादसे में एक लड़की की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। खाटू श्याम जी से एमपी जा रही थी बस। बाराबंकी में गिरा 3 मंजिला मकान, करीब 15 लोग दब गए, 2 की मौत, 9 लोगों को गंभीर हालत में रेस्क्यू किया गया, बचाव कार्य जारी। एशिया कप में आज टीम इंडिया का नेपाल के साथ अहम मुकाबला है, आज भी बारिश का खतरा। भारत का पिछला मैच बारिश की वजह से हुआ था रद्द। आयकुई तूफान ने ताइवान में दस्तक दी, 40 से अधिक लोग घायल हो गए, 1 लाख से अधिक घरों की बिजली गुल हो गई, 7,000 लोगों को सुरक्षित इलाकों पर पहुंचाया गया। चीन में बिगड़ती आर्थिक स्थिति के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहे शी जिनपिंग, सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी कर रही आम नागरिकों की भर्ती। स्वीडन के माल्बो में कुरान जलाने की घटना के बाद मुस्लिम देशों में प्रदर्शन, इस्लामी चरमपंथियों ने धमकियां दी, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। लंदन के साउथ हॉल में जन्माष्टमी की निकाली गई शोभा यात्रा, जुलूस में शामिल हुए 1,000 लोग। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरई स्वामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। स्पेन के टैरागोना प्रांत के अलकनार में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई, सड़कों पर आया सैलाब। पीओके में मौलवियों की अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर गिलगित बाल्टिस्तान में तनाव, पूरे इलाके में अगले आदेश तक मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित। पाकिस्तान में व्यापारी को गलत तरीके से हिरासत में लेने के आरोप में कराची पुलिस के 3 अधिकारी गिरफ्तार, आतंकवाद निरोधक विभाग के हैं 3 अधिकारी। तुर्की के दक्षिण पूर्वी इलाके में गिरा उल्कापिंड, रात में हरे रंग की चमकीली रोशनी देखकर आश्चर्यचकित हो गए लोग। मिस्र में निवेश करेगी इटली की ऊर्जा कंपनी एनी, अगले 4 वर्षों में 7.7 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी।